हेलो फ्रेंड्स वेरी वम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू योर प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स सो आज हम नवंबर मंथ के जो बाकी के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे देर आर मल्टीपल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट और लास्ट फ्यू वीक्स लास्ट टू थ्री वीक्स तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्वेंटी पद्मा अवार्ड्स ओके आपको अगर पता होगा तो काफ़ी सारी जानी मानी हस्तियों को पिछले कुछ दिनों से पदमा अवार्ड्स दिए गए हैं इसके साथ साथ पद्मा अवार्ड्स के साथ साथ गैलेंट्री अवार्ड्स दिया गया है आ, डिफेंस के अवार्ड्स दिए गए हैं खेल पुरस्कार दिए गए हैं और ये सारे अवार्ड्स राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल सेरेमनी के थ्रू अवार्डी को दिए जाते हैं हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स की सो रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रजेंटेड द पदमा अवार्ड टू वन वन नाइन रेसिपियंट्स फॉर द यर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट राष्ट्रपति भवन तो देखिए दो हज़ार बीस में भी पदमा अवार्ड्स घोषित किए गए थे बट ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल पिछले साल कोई भी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट नहीं हो पाया था या हेल्ड नहीं हो पाया था तो so, इस बार 2020 प्लस 2021 के जितने भी विजेता थे जितने भी अवार्डीज थे उनको एक साथ बुलाकर ये सेरेमनी की गई तो 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है ना पद्म अवार्ड में देर आर मल्टीपल कैटेगरीज पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री पद्म क्या है वो हमें देखना है चलिए द लिस्ट कंप्राइज सेवन पद्म विभूषण्स टेन पद्म भूषण एंड वन जीरो टू यानी कि एक सौ दो पद्मश्री अवार्ड्स तो देखिए पद्मश्री अवार्ड जो है वो इस कैटेगरी में चौथे नंबर पर आता है पद्म भूषण जो है वो इस कैटेगरी में दूस, तीसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है इन कैटेगरी ऑफ सिविल सिविलियन अवार्ड्स पहले नंबर पर आता है भारत रत्न जो कि बड़े चुनिंदा लोगों को रेयर केस में दिया जाता है अगर उन्होंने कोई बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है इन दी सिलेक्टेड फील्ड्स तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है और यहाँ पे देखिए आपको पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री लिखे हुए ऐसे मेडल्स उनको दिए जाते हैं क्या है ये अवार्ड्स सो द पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एन्युअली ऑन रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी तो देखिए हर साल की छब्बीस जनवरी को इनको पब्लिश किया जाता है ये डिसाइड किया जाता है कि किसको ये अवार्ड्स मिलेंगे इट वॉज़ इंस्टीट्यूटेड इन नाइनटीन फिफ्टी फ़ोर एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ़ इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर्स नाइनटीन सेवेंटी एट एंड नाइनटीन सेवेंटी नाइन एंड नाइनटीन नाइन्टी थ्री टू नाइनटीन नाइन्टी सेवन तो नाइनटीन फिफ्टी फोर से लेकर uh, इतने जो आपको विंडोज़ दिए गए हैं उस टाइम पे उनको सस्पेंड किया गया था अदरवाइज उनको कंटिन्यूसली दिया जाता है इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया अ हायर कैटेगरी ऑफ पद्म अवार्ड कैन बी कॉन्फर्ड ऑन अ पर्सन ओनली वेर अ पीरियड ऑफ लास्ट फाइव ईयर्स हैज़ इलेब्सड सिंस कॉन्फर्मेंट ऑफ द अर्लियर पदमा अवार्ड ओके सो देखिए अगर इस बार किसी को Uh, चौथे नंबर का पद्मश्री अवार्ड मिला है तो आने वाले पाँच सालों तक उसको और कोई अवार्ड नहीं मिल सकता वो, वो पाँच साल के बाद उसको कोई और कैटेगरी के, के लिए इंक्लूड किया जा सकता है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सो इट सीक्स टू रिकोगग्नाइज़ द अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन वेन एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसिज़ इन्वॉल्व तो एंटरटेनमेंट हो गया सोशल सर्विस हो गया जस्टिस हो गया मल्टीपल फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं कैटेगरीज़ कौन सी कौन सी है सो द अवार्ड्स आर गिवन इन थ्री कैटेगरीज पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल इन डिस्टिंगविश्ड सर्विस पद्म भूषण डिस्टिंग्विज सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस तो देखिए बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे दैट इज़ नॉट डिफरेंट बट पद्म विभूषण और पद्म भूषण ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल Uh, काम किया है पद्मश्री इनिशियल स्टेज पे भी हो सकता है कि लोगों को दिया जाए जो थोड़ी भी जानी पहचानी हस्ती है उन लोगों को वो दिया जा सकता है और इसी के लिए उसको चौथे स्थान पर रखा गया है इन दी रैंकिंग पद्म विभूषण इज हाइएस्ट इन द हायरार्की एंड पद्म अवार्ड्स फॉलो बाई पद्म भूषण एंड श्री ओके यहाँ पर अभी हम भारत रत्न की बात नहीं कर रहे हैं बट प्लीज बी नोटिफाइड दैट भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जो कि पॉस्ट्यूमस भी दिया जा सकता है मतलब मरणोपरांत भी दिया जा सकता है डिसिप्लिन क्या है सो दी अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स और एक्टिविटीज़ लाइक आर्ट सोशल वर्क पब्लिक अफेयर्स साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर एंड एजुकेशन स्पोर्ट्स सिविल सर्विसेज एट्सेट्रा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी तो इसके लिए सेपरेट पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है सो द अवार्ड आर कॉन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय पद्मा अवार्ड्स कमेटी व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजल इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रिल एवरी ईयर ओके सो यूजअली उसको uh, प्रेसिडेंट अगर होते हैं प्रेजेंट तो प्रेसिडेंट के हाथों ही दिया जाता है फॉर सम रीजन इफ़ प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट देन वाइस प्रेसिडेंट भी इसको कॉन्फर कर सकते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भारत रत्न इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री इट इज़ अवार्डेड इन रिकोगनीशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवियर इट इज़ ट्रीटेड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम पदमा अवार्ड

इनफॉर्मल तरीके से प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि ओके चलो इन लिए इन इन लोगों ने एक्सेप्शनल काम किया है देश के लिए पूरी दुनिया में इनके नाम से देश जाना जाता है वैसे लोगों को हो सकता है कि भारत रत्न दिया जा सके प्रेसिडेंट कैन टेक द फाइनल डिसीजन ऑन दैट तो उसके लिए कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है

थिंक अबाउट द एक्सक्लूसिविटी जो एक्सक्लूसिव लोग हैं उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है लास्टली अगर आपको याद हो तो तीन लोगों को ये अवार्ड मिला था भूपेन हजारी का प्रणव मुखर्जी एंड नानाजी देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र तो लास्टली 2019 में इन तीन लोगों को इन डिफरेंट फील्ड्स भारत रत्न अवार्ड से कॉन्फर किया गया था विच इज़ अवर हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड सो so, ये आप हमने बात की पद्म अवार्ड्स के बारे में आई वुड रिकमेंड कि आप जो पद्म अवार्ड इसका लिस्ट है कौन से फील्ड में क्यों उनको वो पद्म अवार्ड दिया गया है वो लिस्ट आप एक बार देख लीजिए सारे नाम थरली याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट अगर आप गुजरात से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हो सो प्लीज़ बी नोटिफाइड दैट आपको गुजरात से किन किन को पद्म अवार्ड्स ये मिले हुए हैं या अब तक अगर किसी को भारत रत्न मिला हुआ है तो वो नाम आपको याद होने चाहिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक दैट लिस्ट ऑन योर ओन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अवर डिफेंस एक्सरसाइज जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने इंडोथाई कारपोरेट के बारे में पढ़ा था सो so, ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे विच इज़ सिटमेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो रिसेंटली दर्ड एडिशन ऑफ द ट्राई नेवल एक्सरसाइज विच इज़ सिंगापोर इंडिया एंड थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज SITMEX in short has been conducted in the Andaman Sea of the Indian. ओशन ओके सो इंडियन ओशन के अंडमान सी uh, में और अंदमान के नज़दीकी सिटमैक्स एक्सरसाइज को किया गया इट इज़ कंडक्टेड एनुअली तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एनुअली इसको कंडक्ट किया जाता है हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है इट वॉज़ अनाउंस्ड बाई इंडिया एट शांग्रीला डायलॉग इन जून 28 तो so जून 28 में जब हमने शांग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट किया था एट दैट टाइम इंडिया हैज़ अनाउंसड इट एंड वाई इंडिया हैज़ अनाउंसड इट सो ताकि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो पकड़ है वो इंक्रीज कर सके पकड़ है वो बढ़ा सके अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके और इस तरह से इंडिया बेसिकली चाइना को काउंटर करने का जो सिंबल है वो देना चाहता है नाउ शांगरीला डायलॉग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं तो देखिए शां शांगरीला डायलॉग जो है वो प्योरली डिफेंस डायलॉग है इससे कॉपी करके या इससे प्रेरणा लेकर इससे इंस्पिरेशन लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया फ्रंट में इंडिया के डोमेस्टिक लेवल पे रायसना डायलॉग नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और 2016 से रायसना डायलॉग चल रहा है रईसना डायलॉग को सिर्फ डिफेंस के बाउंड्री में ना रखते हुए हर मेजर फील्ड के लिए इकोनॉमी एजुकेशन सोसाइटी डेवलपमेंट टेररिज्म ये सारी चीज़ों के लिए ओपन डिस्कशन के लिए रखा गया है हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है और इंडियन गवर्नमेंट एक एन के साथ मिलकर यूजुअली इन दिल्ली ये डायलॉग रखती है इंटरनेशनल uh, डिग्निटरीज को बुलाया जाता है लीडर्स को बुलाया जाता है इकोनॉमिस्ट को बुलाया जाता है एकेडेमिशियंस को बुलाया जाता है और अलग अलग लेवल पे रीजनल Uh, या जो इंटरनेशनल या नेशनल uh, लेवल के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए आने वाले सालों में क्या किया जाना चाहिए इसके ऊपर वहाँ पे बात की जाती है सो दिस इज़ योर रेफरेंस विथ शांगरीला डायलॉग एंड राइसिना डायलॉग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ शांगरीला डायलॉग इज एशिया प्रीमियर डिफेंस समिट इट वॉज लॉन्च्ड इन टू थाउजेंड टू दो देखिए दो हजार दो से शांगरीला समिट चली आ रही है जिसका बेस बनाकर हमने दो हज़ार सोलह से इंडिया डोमेस्टिक फ्रंट पे हमने रायसिना डायलॉग स्टार्ट किया है ना व्हाट इज़ रायसीना सो रायसीना हील्स जो है वहाँ पर आपको आ, हमारे प्रेसिडेंट का हाउस मिलेगा राष्ट्रपति भवन वहाँ पर बना हुआ है द फर्स्ट एडिशन ऑफ सिटमैक्स वॉज होस्टेड बाई इंडियन नेवी एंड वॉज कंडक्टेड ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन सप्टेम्बर ट्वेंटी Singapore hosted the second edition of the exercise in November 2020. The 2021 edition of the exercise is being hosted by Thailand. It includes a number of uh, tactical training drills, such as naval maneuvers and surface wa warfare exercises. It aims to strengthen mutual confidence and develop common understanding and procedures towards enhancing the overall maritime security in the Indo Pacific region.

उसको देखिए तो बेसिकली इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी आइलैंड नेशन है या आ, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बेसिकली बढ़ाना चाहता है अदर मिलिट्री एक्सरसाइजिज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड कौन सी है सो इट्स मैत्री विच इज़ आर्मी एक्सरसाइज सियाम भारत विच इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडो थाई कार्पेट विच इज़ ए नेवी एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड रिसेंटली जो कि हमने पिछली बार देखा था लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अदर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर सो बोल्ड कुरुक्षेत्र विच इज़ एन आर्मी एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड सिम्बेक्स विच इज़ एन नेवी एक्सरसाइज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिडनी डायलॉग सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड द की नोट एट द इनॉग्रल सिडनी डायलॉग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही स्पोक ऑन द थीम ऑफ इंडियाज टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन क्या है क्या है ये सिडनी डायलॉग कब से स्टार्ट हुआ वो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे सो प्राइम मिनिस्टर ने सिडनी डायलॉग में बेसिकली क्या बोला पहले हम वो देख लेते हैं सो द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड इंश्योर क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट एंड अप इन द रोंग हैंड्स तो पिछले दो तीन हफ्तों से अगर आप न्यूज़ कंटिन्यूसली इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़ तो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सडनली पूरे देश में सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक टी वी पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सडनली देर इज़ इन इंक्रीज डिस्कशन क्यों क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में जिक्र किया एंड नाउ द रूमर्स आर कि आने वाले जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट के विंटर सेशन में गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग अ बिल जिसमें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के नियम बनाए जाएंगे तो इस वजह से एक स्पेक्यूलेशन है कि ये गवर्नमेंट धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए भी अपने जो रेगुलेशन uh, है वो लाएगी सो द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड एंश्योर क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट एंड अप इन द रॉन्ग हैंड्स क्रिप्टो करेंसी क्या है वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया था साइटिंग द अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ द क्रिप्टो मार्केट रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर टेकिंग प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स सो सडनली प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि सडनली इतना जो मार्केट में एडवर्टीजमेंट बन बढ़ बढ़ गया है हमारा यूथ मिसलीड ना हो जाए और अपने जो हार्ड अर्ड मनी है उसको लालच में आकर क्रिप्टो करेंसीज़ में अंधाधुंध ना डाल दे इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक रेगुलेशन होना चाहिए और जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था क्रिप्टो करेंसीज़ का सबसे बड़ा Uh, जो चैलेंज है क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ डील करने का वो यही है कि क्रिप्टो करेंसीज़ का ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है क्रिप्टो करेंसीज कैसे मार्केट में घूम रहे हैं वी डू नॉट नो वो मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं या टेररिज्म uh, के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है सो साइटिंग द अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ द क्रिप्टो मार्केट रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर टेकिंग प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स इंडियाज स्पेस सेक्टर इज़ ओपन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल रिवोल्यूशन तो और एक बात की गई कि इंडिया का स्पेस सेक्टर किस तरह से हमें एग्रीकल्चर में मदद कर रहा है इन ट्वेंटी ट्वेंटी द गवर्नमेंट ओपन द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंट्रल टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज़ टू यूज़ इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें बताया कि इसरो किस तरीके से uh, जो छोटे कंट्रीज हैं से उनको सेटेलाइट लॉन्च करने में मदद कर रहा है और वो कॉस्ट अफेक्टिव सोल्यूशन उनको दे रहा है हाईलाइटेड दी लीप्स इन इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन दैट इज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो डिजिटल इकोनॉमी आजकल वैसे भी काफ़ी uh, चरम सीमा पर है और वहाँ पे इंडिया ने कैसे बेहतर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने की नोट एड्रेस में कहा है हावेवर द डिजिटल एज इज़ राइजिंग न्यू क्वेश्चन ऑन सोवरेनिटी, गवर्नेंस एथिक्स लॉ राइट्स एंड सिक्योरिटी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात भी की और साइबर सिक्योरिटी की बात भी गवर्नमेंट ने अपनी की स्पीच में कर दी है फाइव इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन लिस्टेड बाई इंडिया सो पहला ट्रांजिशन इंडिया ने क्या लिस्ट किया दैट द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बीग बिल्ट इन इंडिया क्यों क्योंकि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरा में जी रहे हैं और इंडिया वहाँ पर दुनिया को लीड कर सकता है ओवर वन पॉइंट थ्री बिलियन इंडियंस है यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी आधार हम सब के पास हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है 600,000 विलेजेस विल सून टू बी कनेक्टेड विद ब्रॉडबैंड एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और यूपीआई अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि यूपीआई को बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने इतने कम समय में इतना एफ़िशियंट डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया और ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल तक इसको पहुंचा दिया एंड इंडिया इज़ सक्सेसफुली रनिंग यूपीआई सीमलेसली ओके श्योरली देर आर सम ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी बट इंडियन गवर्नमेंट एंड द रिलेटेड एजेंसीज आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव द सर्विस ऑफ यू सो तो एक बात की डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में और डिजिटल पेमेंट के बारे में सेकेंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस इंक्लूजन एम्पावरमेंट कनेक्टिविटी डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स एंड वेलफेयर तो जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम डी तो अब जो मिडल मैन था वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम uh, से ख़त्म होता जा रहा है गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक कनेक्शन बढ़ गया है यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जांपल्स प्रधानमंत्री जनधन योजना कॉमन सर्विसेज सेंटर्स एक्सेट्रा थर्ड ट्रांजिशन क्या बताया प्राइम मिनिस्टर ने सो थ्री इंडिया हैज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इको सिस्टम हमारे यहाँ पे जो इको सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है फोर इंडियाज़ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर्स इवन एग्रीकल्चर एंड अंडर गोइंग मैसेव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एग्री स्टार्टअप एक्टेट्रा फाइव देर आर अ लार्ज एफर्ट टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिगेटिंग इन डेवलपिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सच एज फाइव जी एंड सिक्स जी और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले पहले के न्यूज़ है कि बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया विल हैव द कैपेसिटी ऑफ फाइव जी एंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विद इन वन ईयर ऑफ द टाइम इंडिया विल रीच दिक्कस जी कैपेसिटी इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग Uh, nations in artificial intelligence and machine learning, especially in human centered and ethical use of artificial intelligence, developing strong capabilities in cloud platforms and cloud computing. So, this keynote uh, speech. सिडनी डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी गई ना सिडनी डायलॉग क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं सो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ़ द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट इट इज़ एन एन्यूअल समिट ऑफ साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज टू डिस्कस द फॉल आउट ऑफ द डिजिटल डोमेन ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दर्ल्ड तो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में साइबर स्पेस के बारे में और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड को लेजिस्लेशन के साथ इंटरनेशनल लॉज के साथ जोड़ा जाना चाहिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट है क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले टाइम में हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं अदर सच इनिशिएटिव्स कौन से हैं सो दैट इज़ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF was established by a decree of President of the Russian Federation in the year 2015. It serves as a platform for the discussion of key issues in the world economy, regional integration, and the development of new industrial and technological sectors, as well as of the global challenges facing Russia and other nations. Future Investment Initiative. So, the Future Investment Initiative is widely described as Davos in the Desert. It is Saudi Arabia's flagship investment conference. The informal name derives from the World Economic Forum's annual meeting that is held in Davos, Switzerland, where world leaders discuss agendas for pressing international issues. ओके okay, सो so ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया रिप्रेजेंट करता है हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में बात की कि राइसिना डायलॉग इज़ अ सच काइंड ऑफ समिट के जहाँ इंडिया होस्ट करता है बाकी सारे कंट्रीज़ को और हम रीजनल नेशनल या जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक है वहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड वी ट्राई अवर गवर्नमेंट लिटरली ट्राई टू अडोप्ट दोज रिकमेंडेशन्स बाई द एक्सपर्ट्स इन द पॉलिसी मेकिंग और उसका जो असर है वो आने वाले सालों में हमें दिखेगा सो दिस वॉज योर टॉपिक अबाउट सिडनी डायलॉग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टली प्रथम प्रथम नाम की जो एक संस्था है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कॉन्फर्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसाममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रथम इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अमोंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड क्या है प्रथम सो द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाई अ ट्रस्ट इन हर नेम इन एटी सिक्स इट कंजिस्ट ऑफ अ मॉनिटरी अवार्ड ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज अलॉन्ग साइटेशन और सर्टिफिकेशन द अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेश वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज़ आर यूज्ड टू फर्दर स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तो बेसिकली ऐसी पर्सनालिटीज़ को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है जो इंटरनेशनल पीस के लिए या इंटरनेशनल हारमोनी के लिए या रीजनल हारमोनी की के लिए बेसिकली काम करते हो प्रथम क्या है सो so, प्रथम को सेटअप किया गया था इन 1995। प्रथम बिगेन इट्स वर्क इन स्लम एरियाज़ बाय सेटिंग अप कम्युनिटी बेस्ड प्री स्कूल्स एंड बाय ऑफरिंग रेमिडियल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु लॉक्ड बिहाइंड इन देयर क्लासेस Its annual status of education report, ASER, based on surveying 6 lakh rural Indian children, is now used as a mod model to assess education outcomes and learning deficiencies in 14 countries over three continents. To respond to the concerns raised by ASER in 2007, प्रथम लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम रीड इंडिया विच एम्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रन्स लर्निंग बाई स्ट्रेंथनिंग बेसिक रीडिंग एंड एरेथमेटिक्स अवार्डेड फॉर सो प्रथम को क्यों अवार्ड किया गया इस बार सो प्रथम वॉज अवार्डेड फॉर इट्स पायोनियरिंग वर्क ओवर मोर देन अ क्वाटर सेंचुरी इन सीकिंग टू एन्श्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन तो देखिए पच्चीस सालों से भी ज़्यादा समय से वो ये इन्श्योर कर रहा है कि एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर इट्स इनोवेटिव यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एजुकेशन फॉर इट्स प्रोग्राम टू प्रोवाइड स्किल्स टू यंग एडल्ट फ़ॉर इट्स रेगुलर ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ़ द क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन एंड इट्स टाइमली रिस्पॉन्स इन अनेबलिंग चिल्ड्रन टू लर्न ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन रिलेटेड स्कूल क्लोजर्स तो प्रथम ने एजुकेशन सेक्टर में जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उन तक डिजिटली एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रथम जो संस्था है उसने एक काम किया है कि हाउ द एजुकेशन टू बी रीच्ड टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बेसिकली चिल्ड्रन इनके लिए उनको द एजेंसी को प्रथम को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईजी वन है अगेन आई एम शोइंग यू दैट इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ क्या है तो उसको नाइनटीन एटी सिक्स में ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था और उसके इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ उन लोगों को जिया, दिया जाएगा जो इंटरनेशनल हारमनी या पीस uh, के लिए काम करेंगे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे ऐसे पर्सनालिटीज को ऐसे इंडिविजुअल को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जा सकता है अवार्ड मिलने वालों को 25 लाख कैश के साथ साइटेशन दिया जाएगा चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण So recently Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin has completed 5 years on 20th November 2021 earlier it was reported that due to adverse impact of covid-19 only 5.4% of the sanctioned houses under the PMAYG have reached completion for the year 2020-2021 the ministry of housing and urban affairs implements the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban ओके okay, सो so प्रधानमंत्री आवास यो, योजना ग्रामीण के आ, पाँच साल पूरे होने पर वो एक बार आ, चर्चा पर है और मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द योजना लॉन्च कब इसको किया गया था सो टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, द अर्स्ट वेल रूरल हाउसिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना वाज रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2016. तो पहली अप्रैल से जो पुरानी योजना चल रही थी उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से एक नई योजना लॉन्च की गई विच इज़ मोस्टली सिमिलर टू द earlier स्कीम विच was known as इंदिरा आवास योजना तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा पॉलिटिकल सिनारियो भी देख सकते हो कि नई गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के नाम से कोई योजना चलाना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नाम से उस योजना को रीलॉन्च किया मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन सी है सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर यह डिसाइड करेगी अर्बन के लिए आपको कौन आ, कौन सी मिनिस्ट्री है अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये आवास योजना को देखती है ग्रामीण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम क्या है बेसिकली इसका सो टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विथ बेसिक एम्यूनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिलेपिडेटेड हाउस बाई एंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी

Freed bonded laborers and non SCST categories, widows or next of keen of defense personnel killed in action, ex servicemen and retired members of the paramilitary forces, disabled persons and minorities. Selection of beneficiaries. थ्रू थ्री stages वैलिडेशन socio इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ट्वेंटी इलेवन तो देखिए ट्वेंटी इलेवन की कास्ट सेंसस के हिसाब से उनको वैलिडेट किया जाएगा सेकेंड वन इज ग्राम सभा एंड थर्ड थर्ड वन इज जियो टैगिंग इन तीन स्टेजेस पे उनको वैलिडेट किया जाएगा उसके बाद उनको बेनिफिशियरीज के लिस्ट पे ऐड किया जाएगा कॉस्ट Co सेलिंग क्या होगा सो द कॉस्ट ऑफ द यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रेशियो 60 40 इन प्लेन एरियाज एंड 90 10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स तो देखिए दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अब देखिए एक आउट ऑफ द वे डिस्कशन कर लेते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्शियल फंड प्रोवाइड करवा रही हो और बाकी का जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट या बैंक या कोई और थर्ड पार्टी बैर करती हो जैसे कि ये स्कीम हो गई तो यहाँ पे इन नॉर्मल स्टेट्स 60 परसेंट जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 40 परसेंट जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट को बैर करना पड़ेगा सो दिस इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ना वाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये है कि हंड्रेड परसेंट ऑफ द फंड इज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इवन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी uh, उस स्कीम को ऑन ग्राउंड अप्लाई करेगी उस पर मॉनिटरिंग करेगी और सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एजेंसी करेगी चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फीचर्स क्या है सो द मिनिमम साइज़ ऑफ द हाउस हैज़ बीन इंक्रीज टू 25 स्क्वायर मीटर फ्रॉम 20 स्क्वायर मीटर विथ हाइजीनिक कुकिंग स्पेस

कन्वर्जेंस फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जिसके लिए हम जल जीवन मिशन चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एल गैस कनेक्शन एल गैस के लिए हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर ऑल्सो टू बी अटेम्प्टेड। तो जब अगर किसी फैमिली को आप घर के लिए पैसा दे रहे हो तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ये भी चेक करेगी कि उसको आ, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल रहा है एलपीजी गैस कनेक्शन मिल रहा है ताकि गवर्नमेंट की बाकी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको भी उनके टारगेट्स को भी पूरा करने में गवर्नमेंट को मदद मिले और जो बेनिफिट एक्चुअल बेनिफिट वो ग्राउंड पे एक्चुअल लोगों तक एक्चुअल पुअर फैमिलीज़ तक वो पहुँच पाए तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ये भी चेक करेगी तो ये थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस uh, प्रोग्राम के बारे में है 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो स्वच्छ भारत के लिए एक मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ एक पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम द सेकेंड अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन से ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हमको अपने शहरों को और गांवों को साफ करना है ग्लोबल लेवल पे जो हमारी छवि है कि इंडिया बड़ा अनहाइजीनिक कंट्री है या गंदा कंट्री है उसको बदलने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई विथ इंक्लूजन ऑफ पब्लिक तो ये धीरे धीरे एक मास मूवमेंट बन गया और आज उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे मल्टीपल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है और आपके जो सिटीज़ है या गांव है वो पहले से पहले के मुकाबले आ, आज आपको ज़्यादा स्वच्छ दिख रहे हैं सो हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी के बारे में So recently the president awarded the respective cities in the 6th edition of Swachh Survekshan 2021 for their performance in maintaining cleanliness hygiene and sanitation the ceremony was held at the Swachh Amrit Mahotsav which is a celebration of the achievements of cities in the past 7 years of Swachh Bharat Mission Urban a commitment from cities and citizens to move forward with renewed vigor in the next phase of swachh अस्वच्छता uh, थ्रू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट जीरो अर्लियर द जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ट्वेंटी ट्वेंटी वन और रूरल क्लीनलीनेस सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी वन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू ओके okay, सो so, काफ़ी सारे सिटीज़ को अवार्ड दिया गया काफ़ी सारे स्टेट्स को अवार्ड दिया गया और गुजरात के तीन शहर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सूरत बड़ोड़ा एंड अहमदाबाद स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है so it is an annual survey of cleanliness hygiene and sanitation in cities and towns across india it was launched as part of swachh bharat abhiyan which aimed to make india clean and free of open defecation the first survey was undertaken in 2016 and covered

फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिटीज़ ऑल्सो शो एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ़ सिटीजन्स फीडबैक ओवर फाइव करोर्स कम्पेर्ड टू वन पॉइंट सेवन एटी सेवन करोर्स लास्ट ईयर तो जो मास मोवमेंट की जो हमने बात की वो भी यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं दैट सिटीजन्स आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द गवमेंट सर्वे जो कि पहले हम इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे नोडल मिनिस्ट्रीज़ के लिए कौन सी है सो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री शहरों में स्वच्छता के लिए ज़िम्मेदार है और अवार्ड देने के लिए भी ज़िम्मेदार है अवार्डिंग इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटीज़ तो जिनका पॉपुलेशन वन मिलियन से ज़्यादा है मतलब दस लाख ,00 से ज़्यादा जिनका पॉपुलेशन है वो कौन से सिटीज़ है पहले नंबर पर है इंदौर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है सूरत गुजरात तीसरे नंबर पर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है नवी मुंबई महाराष्ट्र और पांचवे नंबर पर है पुणे महाराष्ट्र दीज आर दी स्टेट्स ऑफ वेर द पॉपुलेशन इज अबोव टेन लैक एक लाख से दस लाख के पॉपुलेशन के बीच में कौन से शहरों को टॉप में रखा गया है सो दैट इज़ एन न्यू डेली अंबिकापुर छत्तीसगढ़ तिरुपति आंध्र प्रदेश नोएडा उत्तर प्रदेश एंड उज्जैन मध्य प्रदेश बॉटम में कौन से सिटीज़ हैं इन अबाउट टेन लाख में सो फोर्टी फोर पटना बिहार फोर्टी फाइव एन डी एम सी डेली फोर्टी सिक्स कोयम्बटूर तमिलनाडु फोर्टी सेवन मदुरई तमिलनाडु एंड फोर्टी एट कोटा नॉर्थ राजस्थान वही सेम चीज़ अगर एक लाख से दस लाख के पॉपुलेशन की बात की जाए तो 368 पे किशनगढ़ राजस्थान 369 पे मुगल सराय उत्तर प्रदेश 370 पे पालक्कड़ केरला 371 पे शिलोंग मेघालय 372 पे सासाराम बिहार तो ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो स्वच्छता में इतना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं ऊपर के जो ब्लू में हाईलाइटेड सिटी आपको दिख रहे है दि दो हज़ टॉप फाइव सिटीज़ इन बोथ द कैटेगरीज़ आपको ये नाम याद रखने हैं आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर और सूरत में बड़ा क्लोज़ कॉम्पिटिशन रहता है हमेशा और पहले सूरत टॉप में रहा करता था पिछले कुछ सालों से इंदौर टॉप की पोजिशन बनाए हुए है और सूरत कन्जिक्यूटिव सेकेंड नंबर पे आ रहा है और काफ़ी सालों से इंदौर और सूरत के बीच में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कैटेगरीज की ऑलरेडी हमने बात कर ली सो लेस देन वन लैक पॉपुलेशन में वीटा लोनावला एंड सासवड़ सिटीज़ फ्रॉम महाराष्ट्र हैव रैंक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लीनेस्ट सिटीज रिस्पेक्टिवली मोर देन वन लेख पॉपुलेशन सो फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंदौर वॉज अवारेड

मेंट, क्लीनेस्ट स्टेट मोर देन हंडरेड अर्बन लोकल बॉडीज छत्तीसगढ़ हैज़ बीन अवॉर्डिड एज दी क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कर्नाटका इमर्जड एज द फास्टेस्ट मूवर स्टेट लेस देन हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज में क्या रैंकिंग है सो झारखंड वॉन द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस कैटेगरी एंड मिजोरम हैज इमर्ज एज दास्टेस्ट मूवर स्टेट प्रेरक दौर सम्मान किसको दिया गया है सो दिस इज़ ए न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ट्वेंटी वन फाइव सिटीज़ देखिए प्रेरक दौर का मतलब ही ये है कि जो दूसरों को इंस्पिरेशन दे रहा है दूसरों को प्रेरणा दे रहा है ओके okay? सो so, उसमें इंदौर सूरत नवी मुंबई न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट इज एनडीएमसी एंड तिरुपति वर कैटेगराइज्ड एज दिव्या और प्लेटिनम सिटीज़ ओके okay. क्यों क्योंकि ये काफ़ी सालों से अपनी जो स्वच्छता में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये पांच जो शहर है वो हमेशा टॉप रैंकिंग में होते हैं टॉप टेन में तो होते ही होते हैं और इसीलिए उनको प्रेरक दौर सम्मान से नवाजा गया है प्रेरक सौर प्रेरक दौर सम्मान दिया गया है ताकि बाकी सिटीज इनसे प्रेरणा लेकर इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने यहाँ पे स्वच्छता को आगे कर सके तो ये बात हो गई स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 क्या है सो so, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 पॉइंट जीरो अनाउंसड इन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एस बी एम यू फर्स्ट फेज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेप सेफ Uh, containment, transportation, disposal of fecal sludge and uh, septage from toilets. It will be implemented over five years from 2021 to 2026 within an outlay of 1.41 lakh crore. इट फोकसिस ऑन सोर्स एग्रीगेशन ऑफ़ गार्बेज रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड एयर पॉल्यूशन बाई इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोल्यूशन एक्टिविटीज एंड बायो रिमीडिएशन ऑफ ऑल लिगेसी डम्प्स डंप साइट्स अंडर दिस मिशन ऑल वेस्ट वॉटर विल बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन टू वाटर बॉडीज एंड द गवर्मेंट इज ट्राइंग टू मेक मैक्सिमम री यूज अ प्रायोरिटी क्यों क्योंकि हमारे आने वाले सालों में बेस्ड ऑन अवर पॉपुलेशन फोरकास्ट पानी की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है सो so, गवर्नमेंट अभी से वाटर कंजर्वेशन वाटर रिसाइकलिंग के जो फील्ड है वहाँ पे काम करना स्टार्ट करना चाहती है और उसको अरब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में उसको जोड़ा गया है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और हम बात करेंगे अमेजॉन डिफोरेस्टेशन की तो देखिए अमेजॉन के जंगल जो है उनको लंग्स ऑफ दी अर्थ कहा जाता है क्यों क्योंकि वो अर्थ जितना भी कार्बन एमिशन करता है उसको वो क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता था बट पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इन अमेजॉन जंगल्स अब उसने कार्बन एमिट करना स्टार्ट कर दिया है जबकि वो कार्बन एब्जॉर्ब करता था विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज फॉर ऑल कंट्रीज राइट सो रिसेंटली इट वॉज फाउंड दैट द एरिया डीफॉरेस्टेटेड, डीफॉरेस्टेड इन ब्राजील्स ब्राजील्स एमेजोन रिचड अ फिफ्टीन ईयर हाई आफ्टर अ ट्वेंटी टू परसेंट जम्प फ्रॉम द प्रियर ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी अर्लीअर स्टडी शोड दैट एमेजन फॉरेस्ट है्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ एबजॉर्बिंग इट देखिए हमने कितना बुरा हाल कर दिया है आ, ग्लोब का कि जो जंगल कार्बन को एब्जॉर्ब करता था वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने लगा है आ, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ावा कर रहा है ओवर द टाइम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड मोर डिफॉरस्टेशन विल लाइकली लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स एंड चेंजिंग रेन पैटर्न इन दमेजन विच विल अनडाउटली अफेक्ट द रीजन्स फॉरेस्ट वाटर अवेलेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ और ये जो ट्रेंड है डिफॉरेस्टेशन का वो आपको यहाँ पर बताया गया है ड्राइवर्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के लिए सो पहला है केटल रेंजिंग One of the leading causes of deforestation in the Amazon rainforest is linked to beef consumption. Vast areas of forest are cleared by cutting down trees and burning the forest down in order to create uh, pasture land for grazing cattle. Brazil is a major supplier of beef in countries like the United States and China, exporting 1.82 million tons in 2019 alone. Small scale agriculture, it has been touted as a major driver of deforestation in the Amazon rainforest, as the ranching, as with the ranching, small scale agriculture requires the forest to be slashed and burned to clear the ground for crops and grazing of various types. So agriculture भी ये एक मुद्दा बन रहा है वहाँ पे कि वो जिसकी वजह से जंगल को burn down किया जा रहा है. Next is fire. तो so, जो natural fire से उसकी वजह से भी जंगल जलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. Unlike other types of forest, the Amazon did not evolve to burn, and in the Amazon basin fire can actually be spurred by deforestation. As their name suggests, rainforest contain high level of moisture which helps buffer them from fire. Industrial agriculture operations, so industrial agricultural operations are becoming increasingly common in the Amazon rainforest. अदर रीजन्स क्या है सो माइनिंग ऑपरेशन फॉर शॉर्ट आफ्टर मिनरल्स सच एज़ गोल्ड अकाउंट फॉर फर्दर डैमेज टू द अमेजोन फॉरेस्ट इंक्रीज गवर्नमेंट इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग रोड्स एंड डैम्स ओके सो ये सारे जो मल्टीपल वेरियस रीजनस है बेसिकली जो अमेजोन के जो कंट्रीज है देर आर मल्टीपल कंट्रीज ब्राज़ील हो गया चिली हो गया ये सारे कंट्रीज आर सदरन अमेरिकन कंट्रीज इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होना चाहते हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए दे नीड लैंड वाई बिकॉज दे नीड टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर अब जंगलों को काट के वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जा रहा है तो वो पूरे रीजन को किसी ना किसी तरह इन अ बैड वे हार्म करेगा और आने वाले सालों के लिए पूरे ग्लोब को वो बुरे तरीके से हार्म करने वाला है अमेजोन रेन फॉरेस्ट है क्या सो दीज आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट

सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर इधर सीजनली और थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर आर यूनिफॉर्मली हाई बिटवीन 20 डिग्री टू 35 डिग्री सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एशिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको एंड ऑन मैनी ऑफ द पैसिफिक आईलैंड्स द एमेजोन इज अ वास्ट बायोहम दैट स्पांस एट रेपिडली डेवलपिंग कंट्रीज जिनके नाम है ब्राज़ील बोलिविया पेरू इक्वाडोर cambodia venezuela guyana and suriname and french guyana and overseas territory of france the amazon rainforest cover about 80% of the amazon basin and they are home to nearly fifth of the world's land species and is also home to about 30 million people including hundreds of indigenous groups and several isolated tribes सो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को अमेजॉन बेसिन ने या अमेजॉन जंगल्स ने होल्ड करके रखा हुआ है दी अमेज़न बेसिन इज अज विध एन एरिया कवरिंग ओवर सिक्स मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इट इज़ नियरली ट्वाइस द साइज़ ऑफ इंडिया इंडिया से दुग्नी साइज़ पूरे अमेजोन बेसिन की है और उससे बड़ी साइज़ अमेजोन जंगल की है द बेसिन प्रोड्यूस अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ दर्ल्ड फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इन टू दी ओशंस

जंगल्स एमेज़ोन बेसिन बेसिकली तो ये इंडिया से दो गुना ऑलमोस्ट ये एरिया है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वास्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जो कि आने वाले सालों में खतरे पे है पेरिस एग्रीमेंट में और कई सारे एन्वायरमेंटल समििट्स में Amazon के बारे में ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये सारे जो कंट्रीज़ है ब्राज़ील बोलीविया पेरू उनको बाहर से फ़ंड दिया जाएगा ताकि उनको जंगल काटने की ज़रूरत ना पड़े तो डिस्कशन यहाँ तक पहुँच चुका है चलिए तो initiative to tackle deforestation brazil was among a number of nations who promised to end and reverse deforestation by 2030 during the cop 26 climate summit a lowering emission by accelerating forest finance coalition was announced at the leaders summit on climate 2021 basically देखिए यही चीज है कि आप जंगलों को मत काटिए हम आपको पैसा देंगे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तो उसके लिए leaf leaf बनाया गया है आरईडीडी प्लस इनिशिएटिव, सो इट इज़ वन ऑफ द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑप्शंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सो देर आर मल्टीपल अदर इंटरनेशनल इनिशियेटिवस जो Amazon फॉरेस्ट और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट इको है उसको बचाने के लिए काम कर रहा है रिसेंटली हमने COP26 के बारे में पढ़ा था कॉप ट्वेंटी सिक्स में इंडिया ने बाई ट्वेंटी सेवेंटी कार्बन न्यूट्रल बनने की बात कही है और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट है उनको भी टाइटन कर दिया गया उनको बढ़ा दिया गया है राइट तो इंडिया एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है ताकि आने वाले सालों में एनवायरनमेंट का जो इश्यू है वो हमें रिजॉल्व होता हुआ दिखे वो इंडियन इकोनॉमी पे किसी तरह से बर्डन ना बने ये गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है So, this was your today's lecture. I hope you have understood all the topics. Please let us know in case of any doubt. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.